नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली ग्लो न्यूज और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों। श्री काया पलट जनसेवा समिति जोधपुर महानगर द्वारा दिनांक 6 अप्रैल को हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी होली स्नेह मिलन का आयोजन भीड़ भंजन बालाजी मंदिर परिसर में किया गया। समिति के सुमित चौहान ने बताया कि स्नेह मिलन कार्यक्रम में प्रभु श्री राम भक्त हनुमान जी महाराज के संग पुष्पों की होली खेली गई। कार्यक्रम का शुभारंभ हनुमान जी महाराज के समक्ष अतिथियों के द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। समिति द्वारा वर्ष 2023 में जो कार्यक्रम आयोजित किए गए उन सभी की समीक्षा की गई, साथ ही वर्ष भर का लेखा जोखा कार्यकर्ताओं के सामने प्रस्तुत किया गया। 2024 में आयोजित करने वाले कार्यक्रम की घोषणा की गई। सर्वप्रथम 19 अप्रैल रामनवमी को श्री रामनवमी महोत्सव से समिति द्वारा हर वर्ष की भांति जो समिति द्वारा कार्यक्रम आयोजित किया जाता है इस वर्ष भी आयोजित किया जाएगा। समिति के चुनाव अधिकारी अधिवक्ता गुमान प्रताप जानी ने बताया कि समिति के सभी सदस्यों द्वारा 5वीं बार आनंद दवे को निर्विरोध काया पलट का अध्यक्ष निर्वाचित किया गया। समिति के संरक्षक अधिवक्ता पुष्पेंद्र त्रिवेदी ने बताया कि मातृशक्ति और युवा महिला शक्ति को संगठित करने के लिए काया पलट महिला मंडल का नए तरीके से महिला मंडल का गठन किया जाएगा। इस अवसर पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक और पूर्व जिलाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी श्री जगत नारायण जी जोशी, हिंदू धर्म प्रचार फाउंडेशन के भूपेंद्र मंडोली, अधिवक्ता एडवोकेट पुष्पेंद्र त्रिवेदी, हिंदू जागरण मंच के अशोक पारिक, भजन मंडली के राकेश गोयल, अध्यक्ष श्रीमाली ब्राह्मण समाज महेंद्र बोहरा, कन्हैया लाल, इन सभी सम्मानीय अतिथियों ने युवाओं का मार्गदर्शन किया और महापुरुषों की भांति जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा दी गई। काया पलट जन सेवा समिति के एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, चार बार नहीं, पांचवी बार लगातार पांचवी बार अध्यक्ष बनने पर हमारे लाडले छोटे भाई आनंद जी को बहुत बहुत बधाई व शुभकामनाएं। आप सभी की जोरदार तालियों से सेवा मित्रों जब सेवा का भाव रखते हैं, सभी को साथ लेकर चलते हैं तो किसी भी संस्था ऑर्गेनाइजेशन में व्यक्ति बार बार जीतता है, वरना एक बार जीतने के बाद में भी आदमी दूसरी बार जीतने के सपने दिखते हैं। लोग हिसाब मांगते हैं, लोग उनसे काम का हिसाब मांगते हैं। आनंद जी की कार्य प्रणाली सनातन संस्कृति इस राष्ट्र इस युवा शक्ति के लिए समर्पित भाव से लगे हुए हैं, इसलिए इनका ऑर्गेनाइजेशन इनको बार बार जिताता है। मेरी ओर से शुभकामनाएं है, आप हमेशा इसी तरह उन्नति करें, तरक्की करें, सबको साथ लेकर चलें और हमें भी बारंबार बुलावें और अच्छा भोजन करवाएं।